नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राउथ क्राइटेरिया। और राउथ क्राइटेरिया का जो यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करना हो या डिटरमाइन करना हो तो हम क्या करते हैं, राउथ क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं। राउथ क्राइटेरिया एक अलग मेथड है, इसका क्यों यूज़ किया जाता है वो देखिए जरा प्लीज़। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास कोई भी सिस्टम हो तो स्टेबिलिटी कैसे पता करते हो, आप क्या करते हो, उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इक्वल टू जीरो रखते हो और उसके क्लोज लूप पोल की लोकेशन को पता करते हो। अगर पोल्स लेफ्ट हाफ में आते हैं तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है, करेक्ट, ऐसे ही पता लगाते। तो हम क्या करें, जैसे मान लीजिए कि सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, कोई एक ट्रांसफर फंक्शन है, एग्जाम्पल के लिए एक ट्रांसफर फंक्शन है 5/s² + 5s + 6। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो होती है जो क्लोज लूप पोल के लोकेशन को शो करती है, s² + 5s + 6। तो इसके रूट्स क्या होंगे, s = -2 and -3। तो आप होल जीरो डायग्राम बना दोगे, -2 और -3 को शो कर दोगे, करेक्ट, इस तरह से ही शो करोगे, -2 और -3 को शो कर दिया। तो इसका मतलब पोल किधर आ गए, लेफ्ट हाफ में आ गए, s प्लेन के लेफ्ट हाफ में आ गए, तो सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, करेक्ट, इस तरह से आप पता लगा सकते हो। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, जब हमारे पास हायर देन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आती है तब क्या करोगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास ऐसा पूछ लिया कि ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास 5/s³ + 10s² + 5s + 2, करेक्ट, ये है। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, s³ + 10s² + 5s + 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई तो वहाँ से जो रूट आएंगे वो तीन रूट आएंगे। तो तीनों की रूट की वैल्यू कैसे पता करोगे, जब रूट जो पोल आएगी अगर पोल की लोकेशन लेफ्ट हाफ में आएगी तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, लेकिन वैल्यू तो पहले पता करनी पड़ेगी। तो वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन तक तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट फैक्टर करके कर सकते हो। यहाँ पर आप कैसे करोगे, मतलब थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन हो, फोर्थ ऑर्डर की हो, फिफ्थ ऑर्डर की हो, सिक्स्थ ऑर्डर की हो, तब हमें पोल की लोकेशन को फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राउथ क्राइटेरिया पता करते हैं कि हमें ये पता चल जाएगा पोल की लोकेशन लेफ्ट हाफ में है तो सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज सिस्टम स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राउथ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। तो समझ में आ गया, अप टू द सेकेंड ऑर्डर यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली द लोकेशन ऑफ पोल्स, बट फोर्थ थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, इसके लिए नहीं पता कर सकते। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, राउथ क्राइटेरिया मेथड यूज करते हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा, दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम, दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो वीडियो पोज करके कि सेकेंड ऑर्डर तक तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑर्डर, उनके लिए जब हायर ऑर्डर होता है तो हम राउथ क्राइटेरिया मेथड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे केसेस हैं, वन बाय वन सारे केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा प्लीज, लेट आपके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन qs = s^4 5s³ 10s² 9s + 3 = 0। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इन सब के कोफिशिएंट क्या है, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 9 है, इसका 3 है। तो कोई भी राउथ क्राइटेरिया के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, दो नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए इसके लिए। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो उसके कोफिशिएंट
ये सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ठीक है, या फिर इन सब का साइन सबका एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि -1, -5, -10, -9, -9, -3 ये सारे नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव साइन कॉमन लेके उधर ले जाते तो क्या होता, सारा पॉजिटिव हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि ऑल द कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर हमारे पास कोई मिसिंग टर्म नहीं होनी चाहिए। मिसिंग टर्म का मतलब ये है कि s की पावर 4 आ गई, s क्यूब आ गया, उसके बाद s स्क्वायर वाली टर्म मिस हो गई, उसके बाद क्या आ जाएगा, 9s+3, नो मिसिंग टर्म, देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे s^4 5s³ रखा लेकिन 10s² वाला मिसिंग हो गया तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी इवन टर्म प्रेजेंट हो या सारी की सारी ओड टर्म प्रेजेंट हो। मान लीजिए s^4 10s² 3, तो सारी कैसी प्रेजेंट है, इवन टर्म प्रेजेंट है, ऑल इवन टर्म, तो क्या है, वैलिड है, ऑल इवन टर्म। या फिर ऐसे हो कि सारी की सारी ओड टर्म हो, जैसे 5s³ + 9s, तो ऑल ऑड टर्म ये प्रेजेंट हो, तब हम मिसिंग टर्म का कंसेप्ट लगा सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही रैंडमली कोई टर्म बीच में से मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होती है कि ऑल द कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉन जीरो एंड देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म। इसके साथ ये तो नेसेसरी कंडीशंस है ही, साथ ही साथ हमें क्या बनाना होता है, एक राउट एरे बनाना होता है, राउट टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप वीडियो पॉज करके इतना लिख दीजिएगा, फिर अपन क्या करते हैं, एक केस 1, 2, 3, 4 सारे केसेस करेंगे और 1 by 1 राउंड टेबल बना के अपने डिसीजन देंगे, ठीक है। लिखो जरा प्लीज। यहां पर डिस्कस करते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट। If all the elements of routh array elements of first column of routh array are positive, and no sign change, that means all the poles of system lying in the left half of S plane, so system is stable। इसका मतलब समझिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस केस फर्स्ट को समझते हैं, ठीक है। लेट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज गिवन एज बिलो, s³ + 10s² + 5s+2। Find out whether system is stable or not.
सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। अब देखिए जरा प्लीज कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने से पहले हमने जो नेसेसरी कंडीशन देखी है सबसे पहले उनको चेक करना है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इनके सबके कोफिशेंट कैसे हैं। हमारे पास नॉन जीरो है और पॉजिटिव है, 1, 10, 5, 2, ये सारे नॉन जीरो है और पॉजिटिव है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई टर्म मिसिंग भी नहीं है, तो दोनों नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हमें आगे स्टेबल है या अनस्टेबल नहीं है इसके लिए हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक राउथ एरे या राउथ टेबल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन लिख दीजिएगा, इसको हम थोड़ा हटा रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिए जरा प्लीज़। एक राउथ एरे बनाया जाता है या राउथ टेबल, इसमें हायर ऑर्डर कौन सा है, एस क्यूब, हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर तक लिखा जाता है ऐसे, जब तक कि एस रेस टू जीरो नहीं आ जाए। इस तरह से एरो कर दीजिए सबके सामने। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 एस क्यूब का, ये लिख दिया। फिर इवन टर्म छोड़ दो, एक टर्म छोड़ दो, फिर इसका कोफिशिएंट कितना है, 5, वो लिख दीजिए। फिर एक टर्म छोड़ दीजिए, फिर आगे कुछ नहीं है तो नहीं लिखने की जरूरत है, आगे जीरो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जरा प्लीज, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 10, फिर एक टर्म छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद 2, फिर आगे कुछ नहीं है, 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑड टर्म जितनी भी है वो ऊपर और इवन टर्म है वो नीचे, मतलब जो भी हायर ऑर्डर है पहले वो वाली टर्म एक छोड़ के लिखनी है, फिर बाकी बची हुई इधर लिखनी है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 10 × 5, सबसे पहले क्या करेंगे, 10 × 5 माइनस 2 × 1, यहाँ से 2 × 1 अपॉन, यही जहां से स्टार्ट किया था उसी का डिवाइड, अपॉन 10, क्या हो जाएगा, 50 − 2 = 48, 48 / 10 दैट इज 4.8, कितना आ जाएगा, 4.8, यहां पे आ गया 4.8, ठीक है। अब देखो जरा प्लीज आगे वाला कैसे, देखो मल्टीप्लाई तो फर्स्ट कॉलम से ही आगे वाला करना है, ऐसा नहीं कि 2 × 0 − 0 × 5, ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर सेकंड और थर्ड का, ऐसे नहीं। हर फर्स्ट कॉलम का पहले सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट कॉलम का थर्ड कॉलम से, फिर फर्स्ट कॉलम का फोर्थ कॉलम से, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो 10 × 0, किस्मत से ये 0 है, −0 × 1, 0 अपॉन 10, कुछ नहीं होगा, 10 × 0 −0 × 1 अपॉन 10, 0 ही रहेगा, 0/something। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे कुछ नहीं, यहाँ पर 4.8 आ गया था, यहाँ पे 0 आ गया, फिर आगे 0 लिख दीजिए। अब वापस अगली टर्म कैसे पता करें, ये वाली, तो 4.8 × 2 −0 × 10 अपॉन, कहाँ से शुरू किया था, 4.8 से, इसी का डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। आगे क्या लिख दोगे, 4.8 × 0 −0 × 10 अपॉन 4.8, 0, 0। तो यहाँ पर देखो जरा प्लीज़, अब हमारे पास हमने क्या बोला, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे, फर्स्ट कॉलम तो ये है, तो फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट चेक करो, आर पॉजिटिव, ये भी +1 +10 +4.8 +2। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ आने के लिए कुछ साइन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्लस से प्लस की तरफ आ रहे हैं, प्लस से प्लस की तरफ आ रहे हैं, प्लस से प्लस की तरफ आ रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, एंड नो साइन चेंज, कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स सारे के सारे पोल किधर लाई कर रहे हैं, लैपटॉप ऑफ एस प्लेन में, और सो सिस्टम इज स्टेबल, सो सिस्टम इज स्टेबल, ऑल द, ऐसा यही स्टेटमेंट ये लिख सकते हो आप वापस, सो सिस्टम इज स्टेबल। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे आर पॉजिटिव एंड देयर इज नो साइन चेंज, सो दैट मीन्स ऑल द पोल आर लाइंग इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन एंड सिस्टम इज स्टेबल। तो ये केस फर्स्ट है हमारे पास। तो जैसे थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है उनको इस तरह से पता लगाएंगे कि पोल किधर लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हाफ में या राइट हाफ में। तो केस सेकेंड लेते हैं, If any element of
राउथ फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ अरे इज नेगेटिव और हैव साइन चेंज देन दैट मीन्स सिस्टम इज अनस्टेबल इसका भी एग्जांपल ले लेंगे अपन. इसमें आगे लिखो नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन इक्वल टू. ये कैसे पता लगाएंगे कि कितने पोल राइट हाफ में चले गए? इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ब्लॉक में मार्क कर लीजिएगा. एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लिख दीजिएगा एग्जाम्पल में. ए क्लोज लूप सिस्टम हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू एस एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 10. फाइंड आउट वेदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट. ठीक, सॉल्यूशन करते हैं. देखो राउथ एरे के लिए फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो नेसेसरी कंडीशन है, वो तो सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहले वो चेक कर लो सारे के सारे कोफिशेंट क्या है, पॉजिटिव है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है. ठीक, कोई मिसिंग टर्म नहीं है. ठीक, यहाँ पर हमारे पास ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई. अब हम क्या बनाएंगे? राउथ एरे बनाएंगे तो देखो ज़रा प्लीज़ कैसे बनाएंगे राउथ एरे. हायर ऑर्डर क्या है? एस क्यूब, फिर एस स्क्वायर, फिर एस एस टू 1, एस एस टू 0. एस क्यूब वाली टर्म क्या है? 1 और 3, एक छोड़ दिया बीच में, 2 और 10. अब क्या करेंगे? 2 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 1 अपॉन 2, दैट इज 6 माइनस 2, 6 माइनस 10 माइनस 4, माइनस 4 बाई 2 माइनस 2. ठीक, आगे कुछ भी नहीं है, 0. ठीक, और ये 0 कैसे आया? ये 0 ऐसे आया, यहाँ आगे कुछ नहीं था. यहाँ पर 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1 अपॉन 2 क्या आ गया? 0 आ गया. ठीक, अब आगे देखेंगे माइनस 2 इंटू 10 माइनस, इसके लिए माइनस 2 इंटू 10 माइनस 0 इंटू 2 अपॉन माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस 20 बटे माइनस 2 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 0 0. अब देखो जरा प्लीज, सबके फर्स्ट कॉलम देखना है आपको और कुछ नहीं देखना है. फर्स्ट कॉलम में सबके साइन देखो, इसका पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव, इसका कैसा है? नेगेटिव, इसका पॉजिटिव. पॉजिटिव से पॉजिटिव आओ, कितने साइन चेंज हुए? कोई साइन चेंज नहीं हुआ. पॉजिटिव से नेगेटिव आओ, हाँ साइन चेंज हुआ. नेगेटिव से पॉजिटिव आओ, हाँ साइन चेंज हुआ. कितनी बार साइन चेंज हुआ? 2 बार साइन चेंज हुआ. हियर 2 साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे, सो 2 क्लोज लूप पोल्स लाई इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन. तो अगर राइट हाफ में पोल चले गए देन सिस्टम इज अनस्टेबल. सो सिस्टम इज अनस्टेबल. सिस्टम इज अनस्टेबल. ठीक, ये हो गया केस फर्स्ट और केस सेकेंड. तो केस फर्स्ट में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन लिया था जिसमें फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा था और सिस्टम क्या था? स्टेबल था. फिर केस सेकेंड में ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें हमारे पास
साइन चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। जो लोग आईएएस ऑब्जेक्टिव देते हैं या फिर जेएन की प्रिपरेशन करते हैं वो डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, इतना करने की जरूरत है ही नहीं। कैसे देखिए जरा प्लीज, मान लीजिए एस क्यूब की इक्वेशन के लिए ना, इसका कोफिशेंट है ए, जैसे ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी, ऐसा है, ये वाली इक्वेशन लिख देता हूँ। तो आपके पास हमेशा ध्यान रखिए अंदर वालों कोफिशेंट का जो प्रोडक्ट बी इंटू सी का प्रोडक्ट, वो आउटर वाले कोफिशेंट है उनसे ज़्यादा होना चाहिए। बी इंटू सी का प्रोडक्ट जो है ए इंटू डी से ज़्यादा है तो ये सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, देन सिस्टम इज स्टेबल। यहाँ पे देख लो b कितना है 2, c कितना है 3, 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट 1 इंटू 10 से ज़्यादा है क्या, नहीं ज़्यादा है, 6 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। ठीक, ये आप डायरेक्ट बता सकते हो। इंटरनल वाली दो टर्म का मल्टीप्लाई अगर बाहर वाली दो टर्म से ज़्यादा होता है तो ही सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, डायरेक्ट कर सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में लैक ऑफ टाइम की वजह से हम नहीं सॉल्व कर पाते, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट ये एक बात ध्यान रखिए कि हमें जो है डायरेक्ट मेथड है वो सीखने चाहिए, शॉर्ट ट्रिक सीखने चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, ये बात ध्यान रखनी होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर s रेस टू 4 आ जाती है, s रेस टू 5 आ जाता तो आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ता, करेक्ट। तो दिस शॉर्ट ट्रिक इज एप्लीकेबल फॉर द थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्ट। इतना लिखो जरा, अब देखिए जरा इसी के सेकंड पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। किस सेकंड में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा। ए क्लोज लूप सिस्टम हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू एस इक्वल टू एस रेस टू 6, 2s रेस टू 5, 3s रेस टू 4, 4s क्यूब प्लस 7s स्क्वायर प्लस 25s प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, फाइंड आउट वेदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, वेदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। ठीक है, सॉल्व आउट करते हैं, देखिए जरा प्लीज। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो चेक करनी है, सारे के सारे इसके फर्स्ट जो कोफिशेंट है वो पॉजिटिव है, हमारे पास नॉन जीरो है और साथ ही साथ कोई मिसिंग टर्म भी नहीं है। ठीक है, अब मतलब राउ थेरे तो बनाना ही है। ठीक है, एस एस टू 6 राउ थेरे बना देते, एस रेस टू 6, एस रेस टू 5, एस रेस टू 4, एस रेस टू 3 स्क्वायर, एस रेस टू 1, एस रेस टू 0। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1, फिर एक लेफ्ट कर दीजिए 3, फिर एक लेफ्ट कर दीजिए 7, फिर एक लेफ्ट कर दीजिए 20। अब जो लेफ्ट कर दीजिए वो लिखना है हमें 2, 4 और 25, 0। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 4 इंटू 1 6 माइनस 4 अपॉन 2, 6 माइनस 4 अपॉन 2 6
6 माइनस 4 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 1, फिर 2 इंटू 7 14, 14 माइनस 25 अपॉन 2, 14 माइनस 25 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वो लिख दीजिएगा, फिर 2 इंटू 20 माइनस 0 इंटू 1 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा, फिर आगे 0, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है माइनस 11 बाई 2 माइनस 5.5। अब देखो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा माइनस 11, 1 इंटू 4 4 माइनस ऑफ माइनस 11 कितना हो जाएगा 15, 15 अपॉन 1 प्लस का 15, तो यहाँ पर देखिए आगे 15 इंटू माइनस 5.5 माइनस 15 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू माइनस 5.5 ये हो जाएगा 15 इंटू माइनस 5.5 प्लस 15 अपॉन 15 ये आ जाएगा माइनस 4.5 लगभग, है ना, माइनस 4.5। फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं 15 इंटू 20 माइनस 0 इंटू 1 अपॉन 15 दैट मीन्स 20 0 0, फिर माइनस 4.5 इंटू माइनस 15 माइनस 20 इंटू ये कितना हो जाएगा प्लस का 67.5 माइनस 300, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, फिर भी क्रॉस चेक कर दीजिए, अपॉन माइनस 4.5 दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास 51.67 0 0 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, डिवाइड 20 0 0 0, कुल मिला के हमें साइन चेंज चेक करने हैं, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो देखो कितने साइन चेंज हो रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं है अभी तक, यहाँ से साइन चेंज हुआ एक प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस वापस, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं, तो दो साइन चेंज हो रहे हैं, हियर टू साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे, सो टू पोल्स लाई इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, सो सिस्टम इज अनस्टेबल, कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर दो साइन चेंज हुए तो हमारे पास दो पोल किधर चले गए, राइट हाफ में सिस्टम क्या हो गया अनस्टेबल हो गया। अब केस थर्ड डिस्कस करते हैं, ठीक है।